अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ला रहे हैं आपके लिए क्लास 9th और क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री। पर्सनली मैं आपको क्लास 9th और क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था किस चीज के अंदर, क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस चीज के बारे में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो हमने कौन कौन से लेक्चर्स कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमने लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16, ये चार वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं। ये चार लेक्चर्स हैं, ये चार वीडियोस कवर की जा चुकी हैं। हर लेक्चर के अंदर अलग अलग चीज के बारे में बात की गई है। जैसे लेक्चर नंबर 13 के अंदर एसिड्स और बेसिस के ओल्डर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। लेक्चर नंबर 14 के अंदर आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात की गई है। इसी तरह से जो लेक्चर नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 15 के अंदर बात की गई है ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। लेक्चर नंबर 16 के अंदर लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात की गई है। आज के दिन हम क्या करेंगे, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 12 का सॉरी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 17 ऐसा क्या खास बात है भाई, लेक्चर नंबर 17 के अंदर कोई खास बात नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये चीज खास है, बाकी सब आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 देखिए, लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस, ये क्वांटिटेटिवली यानी कि इनकी कुछ फिक्स क्वांटिटी एसिड की और बेसिस की वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं एज प्रोडक्ट्स, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बना लेते हैं, इस तरह सॉल्ट भी बन जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। हमारे पास एक एसिड है HCl, मैं पूरा लिखूंगा वापसी, ये हमारे पास एसिड है HCl और हमने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में, तो आगे जाके क्या होगा, देखें यहाँ पे OH के ऊपर होगा माइनस का चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज है, OH माइनस आयन अलग होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा H प्लस आयन, ये बेसिकली रिएक्ट कर लेगा OH माइनस आयन से और ये बना लेगा वाटर, ठीक है। इसी तरह से Na प्लस आयन, एच पे पॉजिटिव चार्ज है तो Cl पे माइनस का चार्ज होगा, तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद ये बना लेंगे NaCl और NaCl हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। HCl जो था वो एसिड था और इसी तरह से जो NaOH था वो बेसिकली बेस था, ठीक है। तो ये रिएक्शन है HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, तो ये इक्वेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है ये समझते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है बेसिकली वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल हैं जो कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि पलट कर वापसी नहीं आते। इरिवर्सिबल रिएक्शंस तो हैं, साथ साथ में बेसिकली वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो जगह से डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इनकी स्टीक्योमेट्री ये है कि बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन जो है बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ एच प्लस आइंस के ऊपर और नंबर ऑफ एच प्लस आइंस जो कि एसिड के अंदर होते हैं उस पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ ओ एच माइनस आइंस जो कि बेस में होते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो हम करते किस तरह से बैलेंस है, आइए वो जरा समझते हैं। सपोज कर ले हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आ सकता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है किस चीज के दरमियान में, H2SO4 के दरमियान में और KOH के दरमियान में। तो हमने ये भी बताने कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा सॉल्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। हमारे पास है H2SO4, H2SO4 को मैंने रिएक्ट करवाया किस चीज से, H2SO4 को मैंने रिएक्ट करवाया KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो मैं आपको देखिए आसान अल्फाज में समझाता हूँ, यहाँ पर
दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है एसिड के अंदर, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बेस के अंदर भी दो ही OH होने चाहिए। बेस के अंदर फिलहाल एक OH पड़ा हुआ है, एक OH पड़ा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे OH भी 2 हो जाए। अब जब यहाँ पर OH 2 हो जाएंगे तो ये दो OH दो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो दो पोटेशियम है, ये दो पोटेशियम क्या करेंगे, SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे K2SO4। तो ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई, यही इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा के क्या कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। होगा क्या कि सबसे पहले जनरल रिएक्शन है एसिड H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेंगे तो आगे जाके वाटर बनेगा और कुछ से सॉल्ट बनेगा, सही है। लेकिन यहाँ पर पूरी इक्वेशन आ गई कि सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो दो हाइड्रोजन के लिए क्या होने चाहिए, दो OH होने चाहिए, जब रिएक्ट करेगा तो आगे जाके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन तो ये रही और नॉर्मल इक्वेशन पूरी ये रही। इसकी पूरी अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर यही चीज लिखी हुई है, बिकॉज द एसिड हैज 2H+ आयन, एसिड्स के अंदर 2H+ आयन है इस फॉर्मूला के अंदर, तो वी नीड 2OH-आयन, हमें 2OH-आयन चाहिए होंगे ताकि वो 2H+ आयन से रिएक्ट करें, ताकि हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन सके, जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एस प्रोडक्ट, ठीक है। द रिमेनिंग यहाँ पे पोटेशियम की जो रिमेनिंग आयन है, जैसे पोटेशियम के 2 आयन होंगे, 2K+ होगा और साथ में सल्फेट के आयन है SO4-2, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 कहलाता है पोटेशियम सल्फेट। तो हमारे पास एक रिएक्शन बन जाए, एक क्या नाम है, कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जो हमारा फेवरेट टॉपिक होते हैं। आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। MCQ नंबर 1 के अंदर क्या कहा जा रहा है, MCQ नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है ऑल द एसिड्स, सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसिस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और आगे जाके क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, साथ में वाटर बनाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 2H2O। अगर HCl है तो HCl क्या करेगा, HCl बेसिकली NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा आगे जाके NaCl, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं HNO3 की, और HNO3 के साथ में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो आगे जाके बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा हमारे पास H2O। तो ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है, जिसमें एसिड किस चीज से रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड बेसिस से रिएक्ट कर रहे हैं और आगे जाके बना रहे हैं सॉल्ट और साथ में बना रहे हैं वाटर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन किस तरह का रिएक्शन होता है। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होती है, न्यूट्रलाइजेशन में हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होने की वजह से वो बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होती है तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमसे MCQ नंबर 3 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, MCQ नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एक आयोनिक कंपाउंड जो के फॉर्म होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, कि जब एक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए बेस के थ्रू, तो जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है एक सॉल्ट, सही ना। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, आगे जाके बनाते हैं सॉल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो मैं आपको यह बताता चलूं कि सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है, और जो वाटर है ये वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे पूछते हैं इस अगर एक कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो कि बनता है न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में बाय एन एसिड ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, तो वो कहलाता है वाटर, और अगर आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो आयोनिक कंपाउंड जो बनता है वो बनता है सॉल्ट। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ओके, अल्लाह हाफिज़।